प्रणाम बाबूजी। क्या अभी? ओके ओके आप पहुंचो। बाबूजी आ रहे बाबूजी, आ जस्सी बद्री, बाबूजी आ रहे बाबूजी, बाबूजी आ रहे बाबूजी। Watch awesome shows and videos every week on TVF Play app and website. Because it's not on TV, it's on TVF. इक्कीस बार गोवा ट्रिप प्लान करके कैंसिल करने के बाद आज हम फाइनली माउंट आबू जा रहे हैं। चलते चलते कब गुजरात आ गया पता ही नहीं चला। अब अगले कुछ घंटे कोई ठेका नहीं, कोई बार नहीं। जहन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आने वाले 6 घंटे बिना खंबे के कैसे गुजरेंगे। पर सच कहूं तो इससे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए वो दिन था। दैट बास्टर्ड हैड द बॉल्स टू कम इन टू आर लाइव एंड ब्लो अस अपार्ट। इट वॉज अ ड्राई डे। हेलो भुवनेश्वर बाम बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। बीच में मत बोलो, सिर्फ सुनो और लाउड स्पीकर ऑन कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो गंजा मोटा और वो मुहासे वाला सरदार भी मेरी आवाज सुने। क्यों क्यों? मेरे पास आप लोगों की सैटरडे नाइट की कुछ वाहियात तस्वीरें हैं जो अगले 3 घंटे में आपके माँ बाप और छपरा वाले खबरी चाचा को पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन ये अवॉइड हो सकता है अगर आप बात चुकती फोन मत काटिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये कोई प्रैंक कॉल है, तो जाइए जाके टीवी के नीचे वाला ड्रॉर खोल के देखिए। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि इट्स नॉट अ प्रैंक कॉल। तो अब दूसरा ड्रॉर खोलिए, उसमें एक खास चीज है आप लोगों के लिए। फोन चार्ज कर लीजिए क्योंकि ये जरा लंबा चलेगा। मेरे MI फोन की बैटरी भी लंबी चलेगी, परसों ही चार्ज किया था तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तीसरा ड्रॉर खोलिए। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, जितना कह रहा हूं उतना कीजिए।
चुप। तुम हो कौन? अपराधी हो, तहलका से हो, अर्जुन आवेद हो? इस चीज का मेरे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, मैं फोन रिचार्ज करके दोबारा कॉल बैक करता हूँ। हम जब खंबा स्कोर करने गए थे तब घर में कोई आया था? भाई मैं तो नहारा था। बैंचो, तेरी गांड के नीचे से घुस के कोई फोटोज रख के चला गया, तेरे को पता नहीं चला? देखा है मैंने उसे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। स्केच। आई थिंक वी नीड अ बेटर स्केच आर्टिस्ट। सिक्स सिक्स नाइन या सिक्स फाइव सेवन, दो नंबर हैं आपकी माँ के मेरे पास। बताइए किस नंबर पे फोटो व्हाट्सएप करूं? तुम्हारे पास मेरी माँ का नंबर कैसे आया? Doesn't matter, मौसी का भी है। तुम चाहते क्या? Dry days पे कोई क्या चाहता है? Moisturizer? खंबा चूतिए। वो खंबा जो आज आप लोगों ने ब्लैक में खरीदा है, वो मेरे हवाले कर दीजिए। I hope it's not difficult. Difficult है। Dry day के दिन खंबा महंगा मिलता है, और वो तुम इतनी आसानी से दे दे? आप लोग महंगा जिम ज्वाइन करते हैं, जहाँ कभी जाते नहीं। महंगा फोन खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे खंबा नहीं दे सकते हैं। एक मिनट, इसका फोन दिखता अच्छा है, महंगा नहीं है। तुम्हें काम करो, हमारे फ्रिज में बियर पड़ी है, वो आके ले। उस बियर को अपनी बाल में डाल ले। मुझे तो वो खंबा चाहिए बस। एक बात पूछूं? पूछ। तुम यहीं आके हमारे साथ दो तीन पैक क्यों नहीं मार लेते? घर पे गद्दे भी एक्स्ट्रा पड़े, पी पा के यहीं लुढ़क लेना। लुढ़कने के लिए नहीं पीता मैं। ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा मैं जानता हूँ, और मुझे उकसाने में अपना वक्त जाया मत कीजिए। खंबा कैसे और कहाँ पहुँचाना है, ये मैं चखना बनाने के बाद कॉल बैक करके बताऊंगा। शिव, बद्री, जस्सी, दारू देनी है? नहीं। दूसरी दारू ब्लैक में खरीदनी है? पैसे नहीं है। फोटोज घर पहुंच गई तो? गांड बन जाएगी। मेरी भी। 10 मिनट में पता लगाओ इसके पीछे कौन है। वी हैव टू फाइंड दिस बास्टर्ड। बीबी, हमारी आज की पार्टी स्पॉइल करने में तेरे मामा जी का हाथ हो सकता है। ये पिछले 23 साल से अनवांटेड है। ईडीएम पार्टीज में अंताक्षरी खिलवाते हैं, किड्स पार्टी में स्ट्रिपर्स बुलवाते हैं, और किटी पार्टी में खुद चले जाते हैं। ही इज अ सर्टिफाइड पार्टी स्पॉइलर। और मामा के पास अपनी बहनों का नंबर तो होगा ही। एग्जैक्टली। नेक्स्ट सस्पेक्ट है तेरी एक्स गर्लफ्रेंड शिल्पी, जिसे दारू पीने के चुल हमेशा ड्राई डे के दिन ही मस्ती थी। इसकी शक्ल पे मत जाना, ये अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि ये फोटो तेरे फोन रेडमी नोट 4 से ली गई है, इसलिए दोबारा प्यार मत कर बैठना। लेकिन आवाज तो किसी मर्द की लग रही थी। हो सकता है उसका नया बॉयफ्रेंड हो। क्या नया बॉयफ्रेंड? क्या कर रहे हैं, फोटो घर भेजेगा वो? बीबी, तीसरे सस्पेक्ट हैं 104 वाले बैचलर्स। उनमें से एक को तो तूने ही पेला था जब उसने तेरा ही फेक अकाउंट बना के तेरी ही वाइन पे डिसलाइक कर दिया था। सिंस देन ही इज राइडिंग हाई ऑन रिवेंज। ये है हमारे चौथे सस्पेक्ट। इसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 साल की उम्र में इसने वो देखो चिड़िया बोल के अपने बाप का पैक चख लिया था। 7 साल की उम्र में अपने पड़ोस की लड़की के साथ घर घर खेलता था, और दारू के नशे में धुत उसे बेइंतहा पीटा करता था। 18 की उम्र तक इसने अपनी दोनों किडनियां ट्रांसप्लांट करवा ली, लेकिन फिर गांव के डॉक्टर को पता चला कि दारू पीने से किडनियां नहीं, लिवर खराब होता है। आजकल इसके 3 बच्चे हैं। मंगल को यह व्रत रखता है, चखने में मसाला पापड़ खाता है, और लीजा इनको देख के हिलाता है। बस इससे ज्यादा हमारे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर हमने आज खंबा स्कोर किया, ये इंफॉर्मेशन किसके पास थी? Hey!
कहाँ भाग रहा है? ट्राई डे के दिन कोई करके चिल्लाता है तो मैं तो ऐसे ही भाग जाता हूँ साहब। मैं कोई ढुल्ला नहीं हूँ। आज सुबह हमने तेरे से खंबा स्कोर किया था, ये इन्फॉर्मेशन किसको दी तूने? याद नहीं है साहब, मुझे याद नहीं है साहब। अच्छा अब? अभी भी धुंधला धुंधला दिख रहा है साहब। अब याद आया? याद आया साहब। कोई 35-40 की उम्र का आदमी था साहब। पर हुआ क्या साहब? वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा अब? मैं इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलूंगा। अब? ऑलराइट, हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास हमारी शनिवार रात की कुछ फोटोज हैं और वो कह रहा होगा कि वो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे घर भेज देगा। एग्जैक्टली आया था मेरे पास, कह रहा था कि डी ब्लॉक की छत पे आज खंभा पिएगा। डी ब्लॉक? वैसे कहाँ आया डी ब्लॉक? वो तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं बताऊंगा। अच्छा बीबी, उस लोडू का लोकेशन मिल गया है। हाँ नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। हेलो बेबी, तुम्हें चूतिया बनाया गया है। दैट्स कंसिस्टेंट। उसे पता था कि उसे ढूंढते हुए हम यहाँ आएंगे। अब क्या करना है? बाम साहब, ढूंढने से भगवान मिल जाते होंगे, मैं नहीं। अपना खाली वक्त जाया मत कीजिए, ए ब्लॉक की छत पर जाइए और खंभा रख के आइए। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के उठे थे तुम लोग? तेरी। तभी क्या करें अब? हाँ पहुंच गए वो लोग, बोलो क्या करना है। वहां एक खाली बेंच दिख रही होगी आप लोगों को, उसके बगल में एक आइस बकेट होगी। हाँ, उससे बर्फ निकालिए और एक पैक बनाइए 60 ml ऑन द रॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बोतल में एप्पल जूस या पानी तो नहीं मिला। लेकिन तुम्हें पता कैसे चलेगा? पुराना शराबी हूँ साहब, ग्लास दूर से देख के बता देता हूँ कि शराब असली है या नकली। चलिए बनाइए पैक, बनाइए। जस्सी, पैक बद्री को बनाने दे, तू बहुत गंदे बनाता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए बना लीजिए आप पैक। अब खंभा छोड़िए और निकलिए वहां से। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जस्सी क्या कर रहा है इंडिया के खंभे लेने के बाद ये फोटो घर नहीं भेजेगा? इसने हमारे लिए चार पैक निकाल रहे हैं, थैंक यू लेटर। गलत कर रहे हो, ये गुनाह है ये। बीबी देख रहे हैं जस्सी क्या कर रहा है यार। जस्सी पैक वापस डाल। एक बूंद भी निकाली तो मैं फोटोज घर भेज दूंगा। साले पहले तो तू ये प्रूफ दे कि तूने फोटो डिलीट कर दिया, ठीक है? प्रूफ? मैं प्रूफ दूं? हां, आप जब कोई लड़की घर लेकर आए तो मैंने प्रूफ मांगा कि वो आपकी बहन है, बेटी है, बुआ है, मौसी है, हैं? एक मिनट, तुम हो कौन? मैं वो हूं जो रजिस्टर में आपकी एंट्रीज करवाता है, जो कुर्सी के नीचे कछुआ छाप जला के सोता है। मैं वो हूं जो आपको इतला करता है कि सोसाइटी में आपकी कंप्लेंट हुई है।
और मैं वो भी हूं जो खुद जाके कंप्लेंट करता है। भैया लोग तो देखे होंगे आपने, बस उनमें से किसी एक को पकड़ लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट ए स्टूपिड वॉचमैन। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि बख्शीश के नाम पर आज तक लौड़ा कुछ नहीं दिया आपने, पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन लौड़ा कुछ नहीं दिया आपने। दिवाली निकल गई, होली निकल गई, थैंक्स गिविंग निकल गया, मेरा आईएएस का मेंस तक निकल गया, लेकिन बख्शीश के नाम पर खंबा नहीं दिया आज तक आपने। हमारी यूनियन में गुस्सा बहुत है बाम साहब, हमें आजमाना बंद कीजिए। लेकिन आज ये स्टूपिड वॉचमैन जाग कैसे गया? क्योंकि कल रात मेरी नाइट ड्यूटी नहीं थी इसलिए। पर हम चारों ही क्यों? 104 वाले बैचलर्स भी तो उतने ही हरामी है। मैंने लॉटरी निकाली, आप लोगों का नाम आ गया। यस, कहीं तो लॉटरी निकली। लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई जान पहचान वाला भी क्यों? मुझे इंतजार करना चाहिए था उस दिन का जब मेरा कोई अपना बेवजह जलील होके सोबरी सो जाए। जानना ही है तो सुनिए, कोई था मेरा अपना सामने वाली बिल्डिंग में, 30-35 साल का था, दूर से ही देख के सलाम ठोकता था, एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे हम, लेकिन पनवाड़ी पे खैनी शेयर किया करते थे, कभी वो घिसता था कभी मैं। छोटी दिवाली पे बख्शीश नहीं मिली होगी तो कब सिर्फ नीट पी के ही सो गया होगा। अगले दिन मुझे नहीं दिखाओ, मैं अकेले ही खैनी घिसता रहा, उठा नहीं होगा तो नौकरी से निकाल दिया होगा। गलती हम लोगों की भी है बाम साहब, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। इंटरनेट पे सस्ता नशा टाइप करके देख लीजिए, 352 तरीके मिल जाएंगे हाई एस फक होने के। आपको पता है ब्रेड पे आयोडेक्स हैज द पोटेंशियल टू मेक यू ट्रिप योर बॉल्स? हैं? अपनों को ताड़ी महुआ और थिनर मारते हुए देखा है बाम साहब, पर त्योहारों पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यू डिनाइड अस खंबा ऑन ए हॉलीडे, रिपीटेड ऑन ए वर्किंग डे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन ए ड्राई डे। अब आप वो खंबा वहीं छोड़िए और जाइए, नहीं तो अगला कॉल मेरा नहीं आपके घर से होगा। जस्सी, देखिए मेरे पास आप लोगों की और कोई फोटोज नहीं है, बस वो एक हार्ड कॉपी थी जो उस लिफाफे में है। It was nice talking to you, Mr. Bhubaneswar. Bye. सुनिए। जी, जी कहिए। ये छत खुली है क्या? सिगरेट पीनी थी। हाँ खुली होगी। आप लेंगे? नहीं मेरे पास है। आप इस सोसाइटी में काफी दिनों से है ना, नाम क्या आपका? भुवनेश्वर बाम जी। मेरा नाम, उसने मुझे अपना नाम बताया, बट वो नाम मैं किसी को नहीं बता सकता क्योंकि लोग जज कर लेंगे कि वो यूपी से था, बिहार से या नेपाली। Hey guys, hope you like the video. And अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने खंबे बचा के रखो। और बैचलर्स का 4th एपिसोड टीवीएफ प्ले पे आ चुका है, सो प्लीज गो देयर एंड वॉच राइट नाउ, व्हिच इज बैचलर वर्सेस अर्ली मॉर्निंग। हाँ अर्ली मॉर्निंग है तो प्लीज देख लो जाके टीवीएफ प्ले ऐप पे। बचपन से ही मेरे चेहरे में लोगों ने बहुत काले को क्या है? 30,000 सर पर हेड। अबे इतने में तो तीनों के आ जाएंगे। Redmi Note 4 starting 9999. If you like this episode, the good news is we're coming up with another one next week and another one the week after that. In the meantime, check out the amazing Redmi Note 4
And don't forget to download TVF Play for amazing shows and videos. Hey, that was cool, Yogo.